हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हैं नांदेड़ में और हम हैं मेरी वाइफ़ के बेस्ट फ्रेंड और उनके हस्बैंड के साथ और उनकी प्यारी सी बेटी भी। तो अभी हम जा रहे हैं होटल जो कि नांदेड़ के देगलूर ज़िले में आता है। वहाँ पे एक्चुअली बहुत प्राचीन मंदिर है शिव जी और पार्वती जी के। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं और मौसम भी अच्छा है, थोड़ी सी धूप है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है एक्चुअली, बट क्लाउडी वेदर है, अच्छा धूप तो नहीं है एटलीस्ट। अभी हम पहुंच गए हैं देगलूर में। अभी हम होटल गांव में जा रहे हैं जो कि बेलूर जिले में आता है, तो वहीं पे है मंदिर। तो अभी हम पहुंच गए, यही है वो दो मंदिर, एक शिव जी का है और उसके बाजू में पार्वती जी का है। ओ, ये तो बहुत पुराने दिख रहे हैं। तो गाइज ये है होटल, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, होटल गांव का नाम है, चालुक्यास के टाइम का है, अगर मेंटेन कर रहे हैं। तो गाइज ये बहुत ही पुराना मंदिर दिख रहा है, देखो वहाँ पे भी, और अभी तक कंस्ट्रक्शन जैसे कि तैसी, मतलब कुछ गिरा नहीं है, इट्स जस्ट दैट उसको मेंटेन कर रहे लोग यहाँ पे। भाई साहब ये तो पूरा पत्थर की कारीगरी है। चल 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 भाई साहब, ये तो बहुत पुराना मंदिर है। ये तो बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग कार की हुई है, और यहाँ पे मतलब बहुत पुराना, ये चालुक्यास के टाइम का है। और गाइस यहाँ पे ऑलरेडी पत्थर का काम चल रहा है, ये दूसरा मंदिर है। तो गाइस इस एंगल से मैं दिखा रहा हूँ, अभी देखना। तो गाइस अभी मैं इस एंगल से देखना क्या दिख रहा है, परफेक्ट, मतलब ऐसा लग रहा है ना एक एक ही ओपन हो रहा है, एक नंबर लुक है। उस साइड दूसरा वाला है, अगर आप पूरा पत्थर का, ये देखो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जूम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर पूरा, मतलब पूरा पत्थर से कार्व किया हुआ, और ये बहुत पुराना है, चालुक्यास के टाइम का है। ये है पूरा मंदिर, मतलब क्या सही बनाया है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब ये साइट अंडर डेवलपमेंट है, आप देख सकते हो, मतलब अच्छी बात है, मेंटेन तो कर रहे हैं एटलीस्ट। ये देखो क्या एक नंबर, और ये दूसरा वाला मंदिर है पीछे, ये देखिए पता नहीं क्या है, बट शायद पानी के लिए होगा, बारिश में पानी गिरे तो सीधा यहाँ से जाता होगा। ये रही गणेश जी की मूर्ति, दूसरा मंदिर।
पार्वती जी का मंदिर है। तो गाइस यह पार्वती जी का मंदिर, अभी हम निकल गए हैं नांदेड़ की तरफ, अपने घर की तरफ। बारिश भी हुई है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, तो अभी शाम को मैं निकलूँगा हैदराबाद जो मेरे ऑफिस विज़िट के लिए। तो भाई मैं अभी सिकंदराबाद जंक्शन पे उतर गया हूँ, 5 बज रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ सिकंदराबाद मेट्रो स्टेशन, वहाँ से मेट्रो पकड़ के जाऊँगा विघ्नेश के घर, जो कि मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है और जिससे मैं ऑलमोस्ट 5 साल बाद मिल रहा हूँ। तो गाइस मेरा टिकट गिर गया है, अब मैं एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी मैं देखता हूँ फिर से न्यू टिकट निकालूंगा, देखते हैं अभी क्या होता है। तो गाइस मेरा टिकट उड़ गया था एक्चुअली, मैंने जैसे टिकट निकाला वो उड़ के ट्रैक पर चला गया। मैं भी नया हूँ, मुझे लगा क्या करूँ क्या नहीं, बट इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं नीचे आके मतलब सिक्योरिटी से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं वो टिकट कर लो ऑनलाइन। तो मैंने सिकंदराबाद से कोटागुड़ा का किया था, तो मैं माधापुर में उतरा हूँ, तो सिकंदराबाद से माधापुर, अभी माधापुर से हाईटेक सिटी जाऊँगा अभी मैं। प्राइस टिकट गुम होने का मेन प्रॉब्लम है एग्जिट करने का, क्योंकि अब एंट्री पर तो स्कैन कर लोगे, एग्जिट पर क्या करेंगे, तो वही है। आई डोंट नो, एक अभी हुआ भी है किसी के साथ भी नहीं, मेरे ही साथ हो गया, वो भी अभी मैं नया नया ही हूँ इस सिटी में, सेकेंड टाइम आ रहा हूँ। कोई नहीं, और अभी तो कोई है भी नहीं प्लेट, सुबह की सिर्फ 6 बजे हैं, 6:30। तो बेसिकली मैं आया हूँ अपने ऑफिस विजिट के लिए, हैदराबाद में मेरा ऑफिस है, तो अभी जाऊँगा विघ्नेश के घर, तो देखते हैं अभी उसके यहाँ पे घर पे जाऊँगा, सामान और रख के फ्रेश होके ऑफिस जाऊँगा, कल इवनिंग में मेरा रिटर्न। पहुंच गया हूँ विघ्नेश के घर, और यह है विघ्नेश जो कि हम लोग 2018 से हम लोग स्टार्ट में LTI में हम लोग काफ़ी टाइम से साथ में थे, तो आज ऑलमोस्ट हम 5-6 साल बाद मिल रहे हैं 6 साल हो गए, लग तो नहीं रहा। और ये रहा भाई का रूम और गाइस ये 26,000 दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा रेंट है यहाँ पे, तो हाँ हैदराबाद थोड़ा सा महंगा है, देखते हैं, दैट्स द रीज़न भाई, मैं तो शिफ्ट नहीं हूँ यहाँ पे देखते हैं अभी, बट सामने मस्त है, ऊपर भी जा सकते हैं, तो उतना देना तो वर्थ है। और मेन मतलब भाई सब पॉश वॉश है, कुछ इशू नहीं है, सोसाइटी भी अच्छी है। तो विघ्नेश भाई क्या हाल है? कुछ नहीं भाई, चल रहा है, कुछ नहीं भाई, ऊबर में है, ऊबर में मेरे को फ्री ऊबर पुल देंगे अभी भाई, फुल टाइम होने दे, हो जाएगा सही है। अभी मैं ऑफिस निकल गया, ऑफिस जा रहा हूँ, ट्रैफिक देख रहे हैं यहाँ पर, देखो गर्मी नहीं है उतनी, बारिश हुई है तो इतना कुछ करने वगैरह है नहीं, तो दैट्स गुड। कुंडापुर निकल रहे हैं घर के लिए, ये रही मेरी वाइफ और मेरे ब्रदर इन लॉज, तो अभी हम जाएंगे राज्य रानी से, ये रही अपनी ट्रेन खड़ी है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने घर, ये देखो
घर आने के बाद हमने की नाना जी के बर्थडे की तैयारी, तो उसके लिए हमने सारे रिलेटिव्स को बुलाया था। हाँ।